Like a Hellcat. तो फ्रेंड्स आज मैं लेके आया हूँ आपको झेलम एक्सप्रेस ढाबा पे, जम्मू पठानकोट हाईवे पे, जम्मू में आपको कठुआ एक लोकेशन मतलब एक डिस्ट्रिक्ट मिलेगी उसके पास ही ये ढाबा जो है आपको मिलेगा। जम्मू से अगर पठानकोट जा रहे हैं तो आपको लेफ़्ट साइड पे मिलेगा ये। मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ कि ये ढाबा दूर से कैसा दिखता है ताकि आप लोग इस यहाँ पर आ सके, देख सके, पहचान सके जगह को। तो काफ़ी अच्छा बनाया है इन्होंने, झेलम एक्सप्रेस ढाबा। फ्री वाईफाई मिलेगा आपको यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये हाईवे है, लेफ़्ट साइड पे आपको दिखेगा ये। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ क्या है कि आप बाहर बैठ के भी खा सकते हैं, अंदर बैठ के भी खा सकते हैं। सर्दियों में आप धूप सेकते हुए बाहर खाना खा सकते हैं, गर्मी में आप एसी में अंदर खाना खा सकते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा सीटिंग अरेंजमेंट है, हाइजीनिक है, बिल्कुल साफ़ सुथरा है, ढाबे की तरह नहीं है, है ढाबा पर ढाबे की तरह नहीं है, रेस्टोरेंट की तरह है। तो इसके रेट्स भी जो है काफ़ी रीज़नेबल हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं। तो रेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ कितने हैं, आप देख लीजिए। राजमा दाल मखनी 160, दाल फ्राई 130, दाल तड़का 130, तो बिल्कुल रीज़नेबल रेट्स हैं। क्वांटिटी भी मैं दिखाऊंगा कितनी क्वांटिटी मिलती है आपको इस प्राइस पे। प्लेन रोटी 15 रुपये की है, थाली आपको मिलती है 150 रुपये की, 220 रुपये की एग्जेक्टिव थाली है, और एक झेलम स्पेशल थाली है जो 220 रुपये की है। उसमें आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाएगी खाने के लिए, ये कुछ स्पेशल चीज़ें हैं इनकी। तो जैसे हमने लच्छा पराठा मंगाया है, ये आटे का है, मैदे का नहीं है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती। कढ़ाई पनीर और दाल मखनी मंगवाई है हमने, पीस को पनीर के पीसीज दे सकते हैं, काफ़ी बड़े पीसीज हैं, काफ़ी क्वांटिटी में है, और दाल मखनी भी काफ़ी अच्छी है, देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। उसके साथ आपको एक सैलेड मिलता है चटनी के साथ जो फ्री दिया जाता है। पराठे का साइज़ काफ़ी अच्छा है, फिर हम अपनी प्लेट में डाल देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको खा के ये कैसा है। ये जी हमारा तवा पनीर, पराठा देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, चूर चूर है, बिल्कुल लेयर्स काफ़ी अच्छे से पकी हुई है, थोड़ा सा जल गया है ये साइड से, तंदूरी पनीर भी काफ़ी अच्छा है, सॉफ्ट है। तो टेस्टी है, सिंपल है, ज़्यादा बड़े सारे मसाले नहीं डाले हमने। दाल फ्राई करके देखते हैं, दाल मखनी है, दाल मखनी भी काफ़ी टेस्टी है, सिंपल है, ज़्यादा तीखे मसाले नहीं डालते हैं लोग। तब बाहर हमने डिसाइड किया कि हम धूप में बैठ के जो है कुल्फ़ी का मज़ा लेंगे। तो ये मटका कुल्फ़ी मिलती है यहाँ वर्ल्डलाल की, फर्स्ट टाइम मैंने देखी है कहीं ऐसे ढाबे पे कोई ऐसी कोई कुल्फ़ी मिलती है। मीठे में चीज़ें बट हमको ये पसंद आया, तो मैं बाहर भी धूप में बैठ के ये खाई जाए। तो ये मटका आप खाने के बाद घर लेके जा सकते हैं अगर आपको चाहिए हो, क्योंकि मटके में खाने का मज़ा ही अलग है। चलिए बैठ के खाते हैं बाहर। 70 रुपीज़ का ये मटका है, वाड़ीलाल का, तो केसर पिस्ता कुल्फी इसके अंदर आपको मिलेगी, काफ़ी भरे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स इसमें, खा के देखते हैं। धूप में आइसक्रीम खाने का मज़ा ही कुछ और है। तो आप लोग आना चाहें तो इस ढाबे पे आ सकते हैं खाना खाने के लिए, बड़ा सिंपल मतलब डिसेंट खाना है, बहुत ज़्यादा मैं कहता हूँ टेस्टी भी नहीं है, ख़राब भी नहीं है, बट एक ढाबे के हिसाब से बड़ा अच्छा है। जिस तरह के इनके प्राइजेज हैं उस तरह से ये जो है रीज़नेबल है, ज़रूर आए इस ढाबे पे खाना खाने के लिए। बिल्कुल सॉफ्ट आइसक्रीम है,
आइसक्रीम तो ये लोग नहीं बनाते हैं, मतलब पैक्ड आई हुई आइसक्रीम, खाना ये लोग खुद बनाते हैं। तो मैं तो धूप का मज़ा लेने के लिए बैठा हूँ कि आइसक्रीम धूप में खाने का मज़ा ही कुछ और है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये भी दिखाया जाए कि आप बाहर बैठ के भी खा सकते हैं, मतलब जिस अपने मर्ज़ी से जिस तरह से इंजॉय करके खाना चाहे खा सकते हैं। धूप में बैठ के खाना है तो धूप में खा लीजिए, अंदर बैठ के खाना है तो अंदर बैठ के खा लीजिए। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।